रिश्तेदारी में सब बहुत खुशी हो रहा भाई, बहुत बड़े गरीब आदमी को बच्चा लाग जाए, कहीं भी लेना देना को मजूरी कर पड़ाया जा। सीकर में सीकर की कोचिंग बहुत ज्यादा फेमस है और आज सीएलसी के अंदर विजय उत्सव है, जैसा कि यहाँ पर दिख सकता है कि विजय उत्सव यहाँ पे लिखा हुआ है और हम ये देखने के लिए आए हैं। विजय उत्सव को आप समझिए कि यहाँ पर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का एक तरीके से एक सम्मान समारोह है जहाँ पर उनके पेरेंट्स भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रोग्राम किस प्रकार से मनाया जाता है, उन बच्चों से भी बात करेंगे और ये प्रोग्राम जो है किस प्रकार से इसको अरेंज किया गया है इसके ऊपर हम नज़र बनाएंगे और हर एक डिटेल जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और खासकर ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चों का मनोबल है वो किस प्रकार से पूरे साल भर ऊंचा रह पाता है और वो सिलेक्शन जो हो जाता है बच्चे उसके बाद के अंदर उनकी क्या मनोस्थिति रहती है और आगे वाले जो बच्चे हैं उनसे क्या प्रेरणा ले पाते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर हम कुछ पेरेंट्स से भी बात करते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे पेरेंट्स वो उनके जो सेलेक्टेड बच्चे हैं इनसे बात करते हैं। बेटा आप सेलेक्टेड सिलेक्शन में हो आप? हाँ सर। अच्छा कौन सी नीट में हो? आईआईटी के अंदर। नीट में। और कहाँ से आप आते हो? जयपुर से। जयपुर से आए हुए हो। नाम बताइए। कृष्ण कुमार मीणा। कृष्ण कुमार मीणा। अच्छा ये आपके पेरेंट्स साथ के अंदर हैं? हाँ सर। तो ये आपने इनको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो इनका रिएक्शन क्या था पहले? सर ये बहुत ही खुश हुई और मतलब बहुत खुश हुए थे। गांव के अंदर सबको बताया? हाँ सर। लोग बात करते हैं माता जी से। माता जी बेटा जो है अब आपका डॉक्टर बन जासी? बड़े बन जा तो बनावे खातर तो पस रहा जा। और मतलब गांव के अंदर बाकी सगा बोलिया नहीं कि आपका बेटा जो है डॉक्टर बन जाएगा, हमारे गांव के लिए भी फायदा रहेगा? बहुत खुशी हुई सब। रिश्तेदारी वगैरह वहाँ से ही फोन आए? रिश्तेदारी में सब बहुत खुशी हो रहे भाई, बहुत बड़े गरीब आदमी को बच्चा लाग जाए। तो यहाँ पर जैसे जो कोचिंग वगैरह के अंदर है ये एडमिशन कराना थोड़ा भारी नहीं पड़ा क्योंकि जैसे आप ऐसा कितने मतलब पैसे वैसे के हिसाब से ठीक है आप? हाँ। तो मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई कि कोचिंग के अंदर पढ़ा दें और फिर कैसे करें तो रुपए वैसे की अरेंजमेंट में? मेहनत मजूरी कर रही, मजूर से मैं तो कहीं भी और कहीं भी लेना देना को ना, मजूरी कर पढ़ाया जा। मजदूरी करके आपने पढ़ाया और अब आपका बेटा जो है वो डॉक्टर भी बनने वाला है? हाँ। आपसे ही बात करते हैं, आपका नाम बताइए एक बार। मेरा नाम प्रभुदयाल है। प्रभुदयाल जी क्या काम करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ। और अभी आपका बेटा जो है वो डॉक्टर बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। ये हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आप जयपुर के पास में रहते हो, यहाँ पे सीकर के अंदर ही बच्चे को क्यों भेजा आपने कोचिंग कराने? अच्छा स्कूल है। तो आप मजदूरी करते हैं, आज आपका बेटा आप डॉक्टर बन जाएगा, फिर मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ ये तो है ही। तो देखिए एक सक्सेस स्टोरी है यहाँ पर, सीकर की एक सक्सेस स्टोरी है। ये जो माता पिता हैं और इनके साथ के अंदर जो बच्चे बैठे हैं ये इस समय सेलेक्टेड हैं और जब ये डॉक्टर बनेंगे तो इनको कम से कम ये पता होगा कि उनके माँ बाप ने कितने मुश्किलों से उनको पढ़ाया है और सीकर यही सपने जो हैं वो साकार कर रहा है। गांव से ढाणियों से बच्चे आ रहे हैं, मजदूरों के बच्चे भी अब डॉक्टर बनेंगे और वो इतने अच्छे डॉक्टर बनेंगे, उनको अंदर मन के अंदर एक भावना रहेगी कि किस प्रकार से जो है हमारे माँ बाप ने जो परेशान रहे थे, किस प्रकार से हमको पढ़ाया था, उसको हम आगे बढ़ाएं, अपने गाँव का जो है, अपने ढाणी का जो है वो नाम रोशन करें।